दोस्तों वादा अनुसार मैं आज आपके सामने टेक्निकल न्यूज लेके आया हुआ हूँ। जैसा कि हमारे ग्रुप में बच्चे भी है, नौजवान भी है, स्टूडेंट्स है स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनके लिए मैं ये बनाता हूँ स्पेशल टेक्निकल न्यूज। और इस न्यूज में मैं आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रोशनाइज कराता हूँ। अभी आपके सामने जो न्यूज में पेश कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यूजीलैंड दुनिया का सेकंड मुल्क है जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी तादाद में बनाता है कि वो खुद उसके लिए भी बस होता है, लोगों को भी उससे फ़ायदा देता है। अभी न्यूजीलैंड दुनिया का पहला मुल्क बन गया है इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस कन्वर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। अब वो कन्वर्ट कर रहा है माइक्रोवेव एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जी हाँ, माइक्रोवेव एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है न्यूजीलैंड। और अब वो वायरलेस तरीके से दुनिया के किसी भी हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकता है। ख़ास तौर से वो अपने उन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने में कामयाब हो गया है जहां पे गांव जैसे इलाके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहां पे और लाइट भी नहीं आती, वहां पे उसने पहुंचा दिया है। एक ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं आपको एक बात बता दूँ, टेस्ला नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। टेस्ला से पहले दुनिया में एक ऐसा साइंटिस्ट गुजरा जिसका नाम है एडिसन। उसने सबसे पहले बल्ब बनाया और उसने अपने नाम पे कई पेटेंट, अपने नाम पे कई ईजादें, इन्वेंशंस अपने नाम पे जो है बनाए थे। एडिसन को हर कोई जानता है। जब वो 5 क्लास में पढ़ता था तो उसके माँ बाप उसकी माँ के पास बैठा था। फिर उसने जो है बहुत सारे रेलवे इंजन बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया, बल्ब बनाया, दुनिया भर के बहुत सारी उसने चीज़ें बनाया। बाद में उसकी बहुत सारी चीज़ें जनरल इलेक्ट्रिक ने भी ख़रीद लिया हुआ है। एडिसन बल्ब को जनरल इलेक्ट्रिक ने ख़रीद लिया। तो ये उस वक्त की कहानी है जब एडिसन अपने तौर पे दुनिया में ज़बरदस्त एक इनोवेटिव के नाम पे छाया हुआ था ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन उस वक्त एक टेस्ला नाम का एक गरीब साइंटिस्ट भी था। उसने ये ऐलान किया था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जिस वक्त एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी लेके आया तो कई कारखाने उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तरक्की करे, बहुत ज़बरदस्त लोगों को फ़ायदा हुआ और कई लोगों को जो है करोड़पति उसने बना दिया। लेकिन जब टेस्ला आया और जब उसने ये ऐलान किया कि भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, ज़ाहिर बात है जब एक दूसरा आदमी ऐसा आता है कंपटीशन में तो एक दूसरे आदमी के अंदर जलन हसद हो जाती है, चाहे वो कितने भी बुलंदियों पर हो। तो एडिसन के अंदर भी ऐसे ही कुछ आ गया था। आप लोग नेट पर देख सकते, पूरी इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई अपनी तरफ से किसी के लिए भी मैं अच्छा बोलूं बुरा बोलूं ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन नेट पे है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है एडिसन टेस्ला कि मैं किसी की तायद करूं, किसी के ख़िलाफ़ बोलूं। मैं जस्ट वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं जो हक़ है। तो टेस्ला ने काफ़ी कामयाब परीक्षण करने के बाद ये ऐलान किया था कि अब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और उसके बाद उसने ज़बरदस्त अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, परीक्षण किए, टेस्ट किए अपने लैब में और उसको ज़बरदस्त कामयाबी मिल चुकी थी। और उसके साथ देने वाले बहुत सारे लोग, इंडस्ट्रियल लोग जो भी थे वो उसके साथ हो गए थे। लेकिन इधर एडिसन के काफ़ी असर रसूख थे और उसने जो है बताया कि भाई ये सब एक गलत है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। और उसने जो है अपना सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए बताया कि भाई एक टेस्ट करके तुम देख लो, तुम्हारे जो जिस सजायाफ्ता मुजरिम जो है जिसको तुम उम्र कैद दे रहे हो सजायाफ्ता, उसके ऊपर टेस्ट करो। उसके ऊपर टेस्ट करने से जाहिर बात है इस करंट से जो है बहुत नुकसान हुआ उसको और वो आदमी बहुत तकलीफ़ से मर गया। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी हद तक जो है बैन कर दिया गया और उसका काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। फिर उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका और वो भी बेचारा मर गया। लेकिन उसके ऊपर आज भी टेस्ट होते हैं क्योंकि उसका जो बताया हुआ करंट है उसके ऊपर अभी दुनिया ने मान लिया है कि वाकई उसके टेस्ट के ऊपर, उसका जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके ऊपर बहुत कम खर्चा होता है। तो आज न्यूजीलैंड इसके टेस्ट के ऊपर अमल करते हुए ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल कर लिया है। अभी टेक्नोलॉजी को माइक्रोवेव एनर्जी से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में बना रहे हैं और इसको बिना किसी तकलीफ के एक पोल से दूसरे पोल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेस, बिना किसी वायर के और बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। अब पहले क्या होता था कि भाई कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी से गुजर रहा है, बीच में से परिंदे चरिंदे
परिंदे तो उनको नुकसान होता था, अभी ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये पूरा हमारा वीडियो देखें और उसके बाद में मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं आपको आपके हिसाब से नए नए वीडियोस लेके, कमेंट्स लेके, लोगों के इंटरव्यूज लेके आपके सामने आ सकूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच।